कार कहना जी मैं पहली बुढ़ी ने दिता है लाहौर वाला कार पता नहीं किसे को बनवा लिया रोटी किसी होर के पल्यों खाधी हैलीकॉप्टर हैलीकॉप्टर जरा है पंजाब गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर लिया जहाज जरा है केपी की गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर लिया एक जिंदगी गुजर गई है इसकी मुफ्त बड़ी में जिंदगी गुजर गई है एक मुनव्वर शरीफ की फिल्म होती थी मुनव्वर मुफ्त पर बड़ी मशहूर हिट हुई सी इतने ही होना सिनेमा है इतने नहीं उतरती नहीं सिनेमे तो असि भी इन बड़ा धक्का ला के लाया है यह भी मेरे फिल्म नहीं सी उतरती है मुफ्त पर असर भी बड़ा साडा भी बड़ा रोल लगे छे छे महीने दस दस महीने जो दो दो साल अमजा शमाल श्री ने 22 महीने जेल काटी है जिस रात मुझे लेके गए हैं कोट लखपत जेल 6 टेम्परेचर था बाहर दो कंबल दिए उन्होंने कहा जी इमरान खान और वराय साहब थे यहां पे चौधरी असद वराय साहब यहां पे सुपरिटेंडेंट रहे हुए हैं उन्होंने कहा जी आप हमें तो देखा जा रहा है हम तो ये दो कंबल ही आपको देंगे 6 टेम्परेचर था बाहर सलामों के दरवाजे थे वहां अंदर आ रही थी इस केस की जमीन देखें रात 12 बजे पानी गर्म पानी की जो रबर की बोतल है मुझे शबाज शरीफ ने कहा पैरों से रख ला तो थोड़ा सा तेरा ठार जड़ा है ना वो तू तेरी जी बचत हो जाए सर्दी को बचत हो जाए मैं हम शिकायत नहीं कर रहे कथित तौर पे शिकायत नहीं कर रहे इन बातों ने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि कौम की खिदमत की राहें जो है वो आसान नहीं होती वो कठिन होती है इस मुल्क में करोड़ों लोग जो हैं आज उनके सर पे छत नहीं है एक फसल जो है सिंध के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर और साउथ पंजाब में मिस हो रही है पानी आज भी खड़ा है इसने जाती तौर पे टारगेट किया मैं जाति रोना नहीं रोना चाहता यही शहर सियालकोट है मैंने कोई इश्तिहार नहीं लगाए पूरा दिन जो है मेरी बीवी जो है एंटी करप्शन की अदालत में बैठी रहती थी कोई है इल्जाम जो मेरे ऊपर साबित हुआ हो सिर्फ एक जाति अनाथ और एक शाल शख्स की जाति इंतकाम को जो है उसकी आग बुझाने के लिए आज जो बरसर इक्तदार है उनके वर्करों पे उनकी क्यादत के ऊपर जुल्म किए गए और आज जो है हम नहीं कहते उसने शाहजेब ने उन्हें फड़का के रख छड़ा गया पल्ले ही कुछ नहीं छड़ेगा हर हर रोज वो बेइज्जत करता है कोई इज्जतदार आदमी होता डूब के मर जाता कहते थे मैं जियो को अदालत में लेके जाऊंगा बरतानिया की अदालत में लेके जाऊंगा पता नहीं चंद से लैके जाऊंगा कि मरीज से लैके जाऊंगा उन्होंने अदालतों के लैके जाना तेरे पल्ले कुछ है तो लैके जाओ उन्होंने और ये जवाब देना आप और मुर्शद और जुल्फी बुखारी की जो गुफ्तगू है उसका कोई जवाब तो दे कोई है जो है पीटीआई का बंदा जो इस बात का जवाब दे कोई है जो इस बात का जवाब दे आज 4-5 दिन हो गए खामोशी छाई हुई है और मैं फिर रिपीट करता हूं अखीर इन्हें मुद्दा जहां सारा जरा गहरा मुर्शिद पा देना है के वो कहता है उसने और जी मैंने बाजवा को जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी मैंने गलती की मैं रूस चला गया मैंने गलती की मैं फलां काम किया मैं गलती की थी मैंने ये किया मैंने गलती की कहता है ना आपको भी पता है यूथियन भी पता है बार बार कहता है
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। इससे कोई बेइज्जती नहीं है। इसकी दौलत की और इख्तदार की हवस जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आज दो दिन फड़े जाते हैं इन्होंने बंदे, तो कोई जफे मार मार के रो रहा होंगे एयरपोर्टा खलो के, कोई व्हीलचेयर से बैठ के रो रहा होंगे है, कोई और करो दो दिन तीन तीन दिन तो जरा पता तो लगे इन्होंने। मैं किसी का भैड़ा नहीं मंगता पाएगा, मैं एक सियासी कारकुन हूं, सियासी कारकुन इन चीजों के ऊपर यकीन नहीं रखते। लेकिन आप देखें इनकी लीडरशिप जो है पिछले 7-8 महीनों में हमने क्या किया इनके साथ, को जुल्म किया है और दो दिन ला के आए ने चुप करके बैठे थे। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सारे का, यह तो हूं उन्होंने पता है किस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट होया ने। आप बताएं इसको डेरा गाजी खान में हम कैद थे, हम जंग में कैद थे, ये डेरा गाजी खान में कैद था, 4 दिन रहा, चारों दिन रोता रहा, फिर कि तरले मेहनत करके बिच बंदे पवा के जड़ा है जान छुड़ाई। घर पुलिस आई, 8 फुट उची कंध टप के दौड़ गए नंगी पैरी। आपने तस्वीरें देखी हुई हैं इसकी दौड़ते हुए, ये इसकी औकात है। मैं लंबा अरसा नहीं, लंबा गंभीर देर नहीं बोलना चाहता, आप लोग खाने का भी इंतजाम है आपका, आप लोगों ने बड़ी नवाजिश की है। हम आने वाले दिनों में जुमे को ये 18 तारीख को, उसके बाद 25 को, उसके बाद यकम को 3 कन्वेंशनें और भी हम यूनियन काउंसिलों में कर रहे हैं, इस्लामाबाद में, दुबुर्जी अराया में, कंटोनमेंट में, ये 3 डिसाइड हमने किया है। हम बाकी भी आपसे रब्ता रखेंगे ताकि शहर में हमारी तंजीमें जो है मुतहर्रक हों और आने वाले दिनों में हम इस बात की तैयारी जो है